जय मिथिला। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के मुरैठा पंचायत में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुरैठा पंचायत के वर्तमान मुखिया, और फिर से इन्होंने उम्मीदवारी पेश किया है। जानते हैं इनसे कि इन्होंने 5 वर्षों में अपने पंचायत की जनता के लिए क्या सब काम किया है। सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताइएगा जी। मैं सबरी चौपाल, ग्राम पंचायत राज मुरैठा, मेरा पत्नी जल्लो देवी मुखिया पद का है। कितने टर्म से मुखिया आपकी पत्नी? 2 टर्म से है, 2011 से अभी 2021 हो रहा है। यानी कि दोनों बार महिला सीट रही, आपकी पत्नी ही उम्मीदवार रही और आप निवेदक रहे। जी नहीं, पहले 2011 से 2016 तक महिला सीट थी जी। 2016 से अभी तक जेंट्स है, है ना, लेकिन उस जेंट्स के सीट पर ही खुद लड़ती है। यानी कि जेंट्स सीट है और आप जो है सो खुद नहीं लड़ करके अपनी पत्नी को लड़वाते हैं। खुद अपनी लड़ती है, कहीं ना कहीं मतलब कि महिला सशक्तिकरण को आप बढ़ावा दे रहे हैं। जी जी जी, जो सरकार, जो प्रधानमंत्री जो महिला सशक्तिकरण बनाया है, उसको अपना उस इस उम्मीद से कह रहे हैं कि हम खुद अपने लड़ेंगे। हम कहें ठीक है, आप अच्छी बात है। अच्छा, तो आप उन महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि 5 साल में कितना विकास का काम हुआ है आपके पंचायत में? देखिए, 5 साल के बाद तो क्या कहेंगे, हम तो 10 साल के बाद कहेंगे, क्योंकि हम 10 साल से जलो देवी पंचायत की भार संभाली हुई है। 10 साल पहले इस मुरैठा पंचायत के अंतर्गत एक भी PCC सड़क नहीं था। अभी आप किसी न किसी ओर से मुरैठा पंचायत में आए होंगे, जब प्रवेश किए होंगे तो आपको पता चलता कि मुरैठा पंचायत में हम घुसे हैं। 10 साल पहले एक भी सड़क कहीं का PCC नहीं था, इतना समस्या था। लेकिन उस समस्या के आस्ते आस्ते धीरे धीरे मैंने अपना पंचायत को अपना जगह पर लाए हैं, और अभी के दौर में गली बचा होगा शायद, लेकिन रोड बचा हुआ नहीं है। लगभग कितने सड़क का निर्माण हुआ होगा? अब क्या बताएंगे, अब थोड़ा घूम लीजिएगा, सड़क तो बहुत का निर्माण किए हैं 10 साल में। अब आप अचानक आ गए हैं तो हम इतना लिस्ट तो नहीं बना कर रखे हैं कि आपके सामने पेश करें। चलिए, लेकिन वृद्धा पेंशन कितने लोगों को लाभ मिल सका है? वृद्धा पेंशन लगभग 1400 आदमी को मिल चुका है इस 5 साल में, या पिछले 10 साल? 10 साल में, 10 साल में यानी कि 1400 लोगों को। इस पंचवर्षीय में कितना? इस पंचवर्षीय में आपको बहुत कम आदमी को मिला है, कि हम तो उस पंचवर्षीय में ही बहुत ज़्यादा बना दिए थे। इस पंचवर्षीय में जो उस समय में था कि BPL के तहत बनता था, लेकिन इस पंचवर्षीय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना जो चलाई है कि 60 साल से ऊपर वाले को इसमें BPL की जरूरत नहीं था, इसलिए कि जो BPL वाले को तो हम पहले बना चुके थे, गैर BPL वाला था उसको इस रीजन में बना है। तो कितना अभी आप जिस सबको उम्र पुरता है, जैसे जैसे पुरता है वैसे वैसे किया जाता है, वैसे हमारे यहाँ पेंशन में कोई ऐसा नहीं है कि ये कहेंगे कि हमारे पास नहीं है और नहीं मिला है। 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो जिनका जो है सब पहले हैंड में मिलता था, लेकिन खाता पे पैसा नहीं आ पा रहा है, उसके लिए क्या मतलब क्या समस्या है? देखिए, उसके लिए समस्या हमने बहुत यहाँ से प्रखंड और SDO ऑफिस तक भी गए थे। उसमें क्या है कि उन लोगों को जो अभी लाइफ टाइम जो बोला अंगूठा डालते हैं, कुछ आदमी को अंगूठा काम नहीं करता है, है ना, और अंगूठा काम नहीं करता तो जीवित प्रमाण पत्र सरकार के पास पहुँच नहीं पाता है। इसके कुछ कारण से भी समस्या है, जो सरकार का अब ये भी होना चाहिए कम से कम अंगूठा काम नहीं करता है तो या तो लिखित हो या आँख से हो, जैसे राशन अनाज में देते हैं डीलर के पास, जो अंगूठा नहीं काम करता है तो आँख से लगा लेता है, किसी तरीक़े से उसको अनाज मिल जाता है, उसी तरीके से उसको पेंशन में भी होना चाहिए कि अगर जिस माँ बहन को बूढ़ी दाई चाची को जो जिनका अंगूठा काम नहीं करता तो उसको अलग कुछ योजना होना चाहिए जो उसको काम हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिल सका है? लगभग इस 5 वर्षीय में आपको लमसम 1100 आदमी को मिल चुका है। 1100 आदमी को। अमूमन शिकायत रहती है लोगों की कि जो है सो हम लोगों से घूस लिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपये, शौचालय में 2,000 रुपये, तो इसके लिए आपका क्या कदम था? देखिए, इसके लिए कहीं न कहीं
आदमी काम करता है ना, पढ़ता है, करता है सब, करता है कोई एगो, पढ़ता है सब पर। ये बात तो सही है, हम भी सुनते हैं। और कोई भी आदमी अगर घूस देता है तो सरकार उसको सीधे राशि खाता में भेजता है। अगर कोई भी आदमी अगर घूस 10,000 या 20,000 देता है तो अपना अकाउंट से निकाल के देता है। हम तो कहते हैं लेने वाले से देने वाले की जुर्माना होना चाहिए कि जब अपने अकाउंट से क्यों निकाल के देता है दूसरे को। नहीं तो सवाल ये बनता है ना सर कि जब कोई काम के लिए जनता को घूस देना ही पड़ेगा तो फिर वो प्रतिनिधि को क्यों चुनेगा? अभी आजकल जो है अफसरशाही राज है। आप लोग भी कहीं देखिएगा या सुनते रहेगा, अफसरशाही राज है। अभी जो आवास सहायक का जो क्या कहते हैं जो सरकार ने नियुक्त किया है, वो आवास सहायक किस टाइम आएगा, किस टाइम जाएगा और कखनू बजा के कखनू पैसा ले लेगा, उसका कोई अति नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आवास सहायक में इसमें लिप्त रहते हैं, बिचौलिया भी लिप्त रहते हैं। उस वही रखे हुए हैं, बिचौलिया को आवास सहायक ही रखे हुए हैं। क्योंकि पहले जब हम लोगों का था ग्राम सभा से, हम लोग आवास इंदिरा आवास उस समय चल रहा था, तो ग्राम सभा से आवंटन करते थे, उसमें मुखिया और पंचायत सचिव इन्वॉल्व रहते थे। अब जो है प्रधानमंत्री आवास जब से हुए हैं तब से आवास सहायक जो है और BDO साहब प्रखंड पदाधिकारी उसमें लिप्त है, मुखिया का कहीं भी उसको क्या कहते हैं रखा नहीं गया है, नहीं रखा गया, इसके लिए वो मनमौजी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कोरोना काल के समय आपके पंचायत के लोग दिल्ली मुंबई कलकत्ता वगैरह रहते थे है ना, तो जब वो आपके पंचायत में आए तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर में क्या सब सुविधाएं दी गई थी? उसके क्वारंटीन सेंटर में जब आए तो हमारे हाई स्कूल प्लस टू है वहाँ हमने सेंटर बनवाए थे। वो सारा को जो बिजली पंखा जो भी होता है, जो घरेलू सिस्टम होता है उस हिसाब से उसको रखा गया, जो भी मतलब कि उनके इस्तेमाल के लिए बाल्टी जग सब दिया गया, उसका भोजन नाश्ता चाय जो भी है हर जैसे घर में जो सुविधा होता है उस सुविधा के अनुसार उसको दिया गया। जैसे जैसे टाइम पूरा उसे पंचायत वासियों को मास्क वगैरह वितरित किया गया। जी 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 बार दो बार किए हैं, एक बार पिछले साल किए थे फिर इस बार किए हैं, है ना, दोनों बार किए हैं। जो सरकार की योजना है वो सरकार पब्लिक तक पहुंचा। सर आपने नामांकन करा लिया है, चुनाव चिन्ह भी आपको मिल गया होगा, क्या चुनाव चिन्ह है? जी मोती की माला है, एक नंबर पर है। यानी कि एक नंबर पे है मोतियों का माला। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? देखिए इस बार मेरा मुद्दा है कि मैंने 10 साल से थे यहाँ पंचायत में और रोड अब बहुत बनाए है ना, और गली शायद छूटा हुआ है लेकिन रोड हमारे हिसाब से छूटा हुआ नहीं है। इस बार मेरा पूरा मुद्दा एक ही रहेगा कि जल निकासी हम पंचायत से करना चाहते हैं। और यानी कि आप नाले का निर्माण करेंगे, जो गली बचा हुआ है उसको ढलाई कराने का काम करेंगे। जी, जल निकासी, क्योंकि हमारा पंचायत जो है क्या कहते हैं बाढ़ से नहीं बारिश से ही डूब जाता है, तो जल निकासी का काम मेरा पूरा रहेगा कि जल निकासी का काम करें, इस बार हमारा यही मुद्दा रहेगा। अच्छा हमारे माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है आपका? मैं आपके माध्यम से मैं अपना मुरैठा पंचायत के जो भी हमारे जनता समाज भाई बंधु है सबको मैं विनती करूंगा कि कम से कम एक मौका और हमको मिले कि जो हमको जो अपना जो कुछ छूटा हुआ काम बचा हुआ काम है उसको मैं पूरा करें, और पूरा करते हुए फिर आपके लोगों के साथ मिलजुल के हम लोग समाज में रहें। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के मुरैठा पंचायत और पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 18 में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाले के उप प्रमुख। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी मेरा परिचय है कि मैं डॉक्टर अब्दुल राजिक, क्षेत्र संख्या 18, 1 से 9 के लिए अभी न्यू वर्तमान प्रतिनिधि के रूप में हूँ। इससे पहले मैंने 5 साल पहले 2016 में जीता था और जाले के उप प्रमुख बना। अच्छा ये बताइए कि इस 5 साल में पंचायत में आपने क्या सब काम किया है? हमने अपने पंचायत की समस्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पंचायत समिति का क्या काम होता है। पंचायत समिति का काम होता है कि पंचायत का जो भी योजना है उसको प्रखंड से पारित कराना, और हम लोगों की एक पंचायत समिति की बैठक होती है जिसको
हाउस में जो हम लोग इस प्रस्ताव को रखते हैं कि हमारे पंचायत में या पूरे प्रखंड में जो समस्या है उसको हम लोग वहाँ पारित करा के जिला को भेजते हैं, ताकि जिला से उस प्रकालित मना उसकी राशि आती है तो पंचायत में काम होता है। उसमें हमने अपने पंचायत के लिए नाला उगराही का काम किया है, उसके बाद मिट्टीकरण का काम किया है मनरेगा से, और पंचायत समिति को कितना पैसा है वो सबको पता है। कोई योजना मना उसमें जो ज़्यादा राशि नहीं है पंचायत समिति को, 20% अभी कर दिया गया है, इससे पहले जो है 10% था, और उसमें 26 पंचायत है जिसमें 36 पंचायत समिति पहले थे, तो राशि कोई ज़्यादा नहीं मिलती है। तो ठीक है सर, मेरा सवाल है एक, आप कह रहे हैं राशि नहीं मिलती है तो फिर आप लोग चुनाव ही काहे लड़ते हैं पंचायत समिति? हाँ, ये तो सरकार से हम लोगों को गुहार लगानी चाहिए कि हम लोगों को पंचायत समिति के पद पे चुनाव लड़वाया जाता है, बाकी कोई फंड नहीं दिया जाता है, और हम लोग जनता का काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ जाति आवासीय इंदिरा आवास, ये इसके अलावा फंडिंग का मामला जो है पंचायत समिति को है नहीं। ठीक है, आपकी बात मान लिया कि पंचायत समिति को फंड नहीं है, लेकिन आप लड़ते ही क्यों हैं पंचायत समिति का चुनाव? मुखिया का चुनाव लड़िए जी। नहीं, इसलिए लड़ते हैं कि सरकार इस पंचायत समिति का भी पद को निर्धारित किया किए हुए हैं, इसलिए चुनाव लड़नी मजबूरी है। और मुखिया की जो चुनाव बात बोल रहे हैं, तो मुखिया हमारे यहाँ रिजर्वेशन है और हम लोग जनरल कास्ट से आते हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, मजबूरी ये है, इसलिए पंचायत समिति लड़ रहे हैं। अच्छा, पंचायत में बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपया, शौचालय में जो 2,000 रुपया लिया जाता है जी। तो इसके लिए आप लोग खुद पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आपसे मेरा सवाल है कि जब पंचायत के प्रतिनिधि उनसे 20,000 रुपया घूस नहीं लेते हैं तो चुनाव काहे लड़ते हैं? जी, ये भी बात आपका कहना सही है। इस बात को लेकर हम लोग जनता में ये जागरूक करते हैं कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है, बाकी कुछ बिचौलिए लोग इसमें इतना मजबूत हैं कि जनप्रतिनिधि फीके पड़ जाते हैं और वो पैसा दे देते हैं। यहाँ तक कि हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई लोगों को कहा कि आपसे पैसा लिया गया है, आप हमको सिर्फ बताइए कि किसने आपसे पैसा लिया है, हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मगर कोई बताता नहीं, कोई एविडेंस आज तक हमको ही नहीं, इसलिए हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाए, ये इसके लिए हम लोग भी मजबूर हैं। बाकी ये हमारे समाज का शोषण होता है, इस बात से हमें भी बहुत दुख है। अच्छा सर, ये बताइए कि वृद्धा पेंशन करवाए हैं कि नहीं कभी? जी, हमने अपने पंचायत में क्षेत्र में 270 वृद्धा पेंशन करवाया है, जिसका हम आपको प्रूफ देंगे, मेरे पास सारा सबूत है। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत समिति भी जो है सो वृद्धा पेंशन करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 270 करवा लिए, अलग से वार्ड मेंबर साहब कहते हैं कि हम भी वृद्धा पेंशन करवा दिए, अब मुखिया जी भी कहते हैं कि वृद्धा पेंशन करवा दिए, तो बताइए कि सारा वृद्धा पेंशन टोटल मतलब कि इसी पंचायत में बचा हुआ था क्या? नहीं, बचा हुआ नहीं था, असल सबका अपना एक ही क्षेत्र है और जो काम होता है तो उसको मुखिया जी भी गिनवाते हैं, वार्ड मेंबर भी गिनवाते हैं। वैसे देखा जाए तो वार्ड मेंबर का पंचायत समिति का काम ये नहीं है, वृद्धा पेंशन पंचायत समिति का काम है। पंचायत समिति का आपको पहले ही बताया कि पंचायत समिति का काम है कि प्रखंड का जो भी समस्या है प्रखंड तक, जो पंचायत का समस्या है उसको प्रखंड तक वृद्धा पेंशन करना। जी, वृद्धा जी, वृद्धा पेंशन है तो हम लोगों के पास जितने भी लोगों से पूछ पूछ करके कागज लेकर के हमने वृद्धा पेंशन करवाया। अब उसको अगर वार्ड मेंबर या मुखिया जी और सरपंच साहब भी गिनवा रहे हो तो बात अलग है। अच्छा, ये बताइए सर कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या कदम रहा है? हाँ, शिक्षा के लिए हम लोगों ने विभाग से शिक्षा पदाधिकारी से बात किया है, हर विद्यालय में शिक्षा अच्छा शिक्षा हो, बच्चों का देख रेख अच्छा हो, उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। और बाकी अपने शिक्षा पे मेरा बहुत बड़ा एक अच्छा सोच है कि हम बहुत बड़ा एक अलमाइटी इंग्लिश स्कूल का अभी संचालन कर रहे हैं अपने पंचायत में। तो आप कमाने के लिए कर रहे हैं? कमाने के लिए नहीं, हमारे समाज में एजुकेशन की कमी है, इसके लिए किया है। और सरकारी विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है किसी आदमी से छुपा हुआ नहीं है, इसलिए एजुकेशन को मेरा से नंबर प्राथमिकता नंबर एक पर हम एजुकेशन को दिए। ठीक है, ठीक है। अब सरकारी, आप लोग तो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपके पंचायत में एक स्कूल है जहां चलने का रास्ता नहीं है, तो क्या कारण रहा? आप लोग सत्ता में हैं फिर भी वहां जो है सो बच्चे पानी में गिर करके हो या नाले में लुघरते हुए हो जाते हैं, तो आप लोग क्या इसके लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग इसके लिए बहुत पहल किए। असल स्कूल हमारा जहाँ पे
है हाँ। तो हमारे छोटी मौली में ही विद्यालय है जिसके आप बोल रहे हैं, और भी पंचायत में है ऐसा समस्या है, काजी बहरा एक पंचायत, आपके पंचायत की बात, मेरी पंचायत की बात बोल रहे हैं, तो मेरे यहाँ भी है समस्या। बाकी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में वो निजी जमीन है कि वो रास्ते के लिए जगह नहीं दे पा रहे हैं, ये मजबूरी है, इसकी वजह से हम लोग इस पर कुछ कर नहीं पाए। ठीक है सर, आपका आपने तो नामांकन करा लिया है, चुनाव चिन्ह भी आ गया है, क्या चुनाव चिन्ह है? मेरा नारियल छाप है, हमारे चैनल की संख्या एक पे, क्रमांक संख्या एक पे नारियल छाप। जी जी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए आपका क्या संदेश है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने इस इंटीरियर पंचायत में, मेरे पंचायत में आकर के आप अपने चैनल का जागरूक करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपने जनता से ये कहता हूँ कि हमसे 5 साल में जो काम हुआ, जो काम नहीं हुआ, मैं उसका वादा करता हूँ कि उस काम को मैं पूरा करूँगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरपंच पद के उम्मीदवार, आइए जानते हैं इनका क्या विज़न है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम एजाज अहमद हुआ और हमारे पिता का नाम अब्दुल रऊफ, जो पूर्व मुखिया यहाँ इस पंचायत के सन 2000 में मुखिया भी रहे हैं, और इस बार जो कैंडिडेट है हमारी पत्नी रुखसाना खातून। नामांकन करा लिया है? नामांकन करा लिया है और उनका चुनाव चिन्ह चौका बेलन छाप है, जो क्रमांक संख्या 5 पे आता है। अच्छा, ये बताइए कि जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? देखिए, हम सरपंच पद के लिए आए हैं, तो ऑब्वियसली सरपंच पद ये एक न्याय का पद है, तो हमारा ये है कि न्याय हमारी जो आबादी है, जो हमारी आबादी है मुरैठा पंचायत की, वो ज़्यादातर लोग गरीब लोग हैं, दबे कुचले दलित लोग हैं, और उनके बीच जो है न्याय नहीं हो रहा था, उनके बीच न्याय नहीं, भेदभाव हो रहा था। जो अभी वर्तमान में हमारे जो सरपंच महोदय थे, उनके द्वारा भेदभाव अपनाया जा रहा था। इस चीज़ को देखते हुए, और क्योंकि हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आते हैं, हमारे पूर्व में फादर मुखिया भी रहे, तो एक दिल में आया कि फादर का जो इस तरह का न्याय हो रहा है, तो हमें आना चाहिए, इस पंचायत में आना चाहिए, और जो हमारे गरीब लोग हैं उनके साथ एक बराबर का न्याय हो, जो बड़ों के साथ हो वो छोटों के साथ हो, कोई भेदभाव नहीं। क्या भेदभाव हो रहा था, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में? देखिए, मुद्दे की पंचायत सपोज ये है कि दो भाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथ अगर कोई भाई मजबूत है तो गलती भी किया है, तो उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो मजबूत है तो उनके साथ कोई मामला है, जो गरीब आदमी है उसको दबा दिया गया। और यहाँ तो बिल्कुल पैसे का खेल चला है, आप पूरे पंचायत में पता कीजिएगा, न्याय के नाम पे पैसे का खेल हुआ है, कुत्ता भी मरा है तो उसका मतलब जुर्माना वसूला गया है। आप पंचायत में जाइए और पता कीजिए कि न्याय के नाम पर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जब मुझे लूट हुई है, इतना पैसा किसी ने नहीं कमाया पूरे दरभंगा जिला में इस सरपंच पद में। सुना हूँ कि बीच में जो है सो बंसावली को लेकर या कुछ ऐसा, उसके लिए भी चार्जेस? जी, बंसावली को लेकर बीच में बिल्कुल आपके चार्जेस फिक्स थे, पंचायती में चार्जेस फिक्स थे, और किसी दो भाइयों के बीच में जमीन का विवाद है, तो अमीन का फीस जो यहाँ पर 2000 चलता है, वहाँ पर 4000 रुपया 6000 रुपया करके जमा करवाया गया लोगों से। अगर आप न्याय, आप सरपंच हैं तो आप सरकारी अमीन बहाल कीजिए ना, हम आएंगे तो हम तो हफ्ता में दो अमीन ला के रखेंगे कि हमारा सरकारी अमीन हमारे पंचायत में कम से कम वीकली टाइम दे। अभी तो सरपंच को अनुशंसा भी करना है, जो विकास का कार्य होता है उसमें भी, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जो काम मिलेगा अभी तो फौरी तौर पे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो काम है उनकी समीक्षा, जो प्राकलन बनेगा उसकी समीक्षा करनी है, उसकी देखरेख करनी है, तो जो मुखिया के द्वारा अगर इस तरह का काम मिलेगा तो उसको ईमानदारी से करेंगे। बिल्कुल अभी फिलहाल जो अभी पूर्व में जो काम चला है, जो हमारे यहाँ जो सब तरह की न्याय बिल्कुल बराबरी का, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, जिसके साथ जो न्याय है वो न्याय होना चाहिए। देखिए सर, क्या होता है ना कि आप भी सरपंच के उम्मीदवार हैं और वो भी थे, तो जब वोट का समय आता है या इलेक्शन का वक्त आता है तो लोग तो वोट मांग लेते हैं, लेकिन जब सरपंच चुने जाते हैं तो वही हाल होता है सबका, कि जाते हैं पंचायती में 2000 ले लिया, 5000 ले लिया, फिर उसके हिसाब से फैसला किया। तो हो सकता है कहीं आप भी होंगे सरपंच, अगर जनता आपको चुनती है तो क्या भरोसा, कहीं आप भी लेंगे उनसे पैसा? देखिए, ये पूर्व का इतिहास है कि हमारे पिताजी
पूर्व में मुखिया रहे हैं और उनको गरीब लोगों ने ही बनाया था, यहाँ के दबे कुचले लोगों ने ही उनको मुखिया बनाया था। और 5 साल का मिसाल है और आप जाएंगे पता करेंगे कि उन्होंने गरीबों के बीच में ही रहकर काम किया है। और वो अपने फादर के काम के नाम पे ही मैं अपनी पहचान है, मेरी खुद की क्या पहचान है, मेरी जो पहचान है मेरे फादर की, और मेरे फादर की जो पहचान है कि पूर्व मुखिया जो उन्होंने काम किया, यही मेरी पहचान। ये बताइए कि बहुत सारा पद है पंचायत में, मुखिया का पद है, पंचायत समिति का पद है, वह जिला परिषद का पद है, लेकिन आपने सरपंच का ही क्यों चुना? देखिए सरपंच पद, देखिए होता क्या है कि आजकल लोग इलेक्शन में कमर्शियल आ गया, कमाने खाने के लिए आ गया है, लेकिन सबसे अच्छा पद मेरे हिसाब से एक तरह का ये होम मिनिस्ट्री है जिसके अंदर न्याय व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर है। तो हमें एक भावना है, कुछ हम तो खुद भी अपना बहुत अच्छा काम धाम कर रहे हैं, एक समाज के लिए कुछ करने की ख्वाहिश है, करने की। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पैसे की कोई दाग नहीं है, कोई हमको फाइनेंशियली कोई मुझे पैसा नहीं आ रहा है। तो इसमें हमारा है कि मेरा जो मामला है कि न्याय कर लूँ, हमारे यहाँ जो गाँव में है तो जो चौकीदार हैं हमारे रात में पहरी दें, चोरी चमारी नहीं हो, किसी गरीब का जमीन कोई न हड़पे, किसी गरीब को कोई मारे नहीं। और ये जो है, यहाँ ज़्यादातर आबादी, यहाँ 70% लोग गरीब गुरबा लोग हैं, 10% लोगों के पास ज़मीन है, उन्हीं के 10% लोगों के पास ज़मीन है, बाकी 90% लोग मजदूर टाइप के लोग हैं। इन मजदूर लोगों की मैं एक आवाज़ बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच क्या अपील है आपका? देखिए जनता से हमारी अपील है कि किसी के बहकावे में नहीं आवें। जो हम जिस पंचायत में रहते हैं, आप भली भांति जानते हैं इस पंचायत को, कि हम वो ये जो भी लोग हैं इस तरह के लोग जिनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो खुद फ्रंट पे नहीं आते, भाई को भाई से ही मरवाते हैं। तो अब जो है किसी अफवाह पे न पड़े, हमारे भाई हमारे बारे में कहेंगे ये तो नहीं जीत रहा है, ये आप तो फलानी जगह से हार रहा चला, इस बहकावे में नहीं आना है और एकजुट होकर हमें मतलब हमारी मदद कीजिए। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मुरैठा पंचायत से एक मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, आइए जानते हैं सबसे पहले इनका परिचय। आप अपना परिचय बताइएगा। हमारा नाम हो गया गुरुचरण सादा, मुरैठा मुसरी टोल। अब मुखिया पद के उम्मीदवार हैं? हाँ, मुखिया पद। आप स्वयं उम्मीदवार हैं या पत्नी उम्मीदवार हैं? हमारे पत्नी हैं, मेनका देवी। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? जनता के बीच में यही मुद्दा है कि हम मुखिया पद से लड़ रहे हैं, ये हमारा सहयोग दें कि गरीब। मुद्दा क्या है, पंचायत की समस्या क्या है, सड़क का क्या हाल है, ये सब के बारे में बात कीजिए ना। सड़क का यही हाल है, थोड़ा थोड़ा सबतर बना दिया है रोड, कहीं पर गड्ढा है। हमारे सब का यहाँ देखिए, एक यहाँ पर 10 साल हो गया, 10 साल में एक भी काम नहीं किया है हमारे सब का पंचायत में, इसीलिए हमको उतरना पड़ा है। तो आप स्वयं उतर गए हैं कि जनता आपको उतारी है? तो जनता हमारे चुना है उतरने के लिए। अच्छा, कि लड़िए, हमारे गांव में कुछ भी नहीं विकास हुआ है, तो इसलिए हम विकास के लिए हमको यहां पर लड़ना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता आपको मुखिया बनाती है तो क्या काम सब करेंगे? यही नाला हो गया या वृद्धा पेंशन हो गया, सभी को दिलाने का हमारे फर्ज बनता है। अगर मुखिया अगर हो गए तो प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम करेंगे, उसमें 20,000 रुपए भी लेने का काम नहीं, एक भी घूस नहीं। अच्छा, अगर हमको अगर कोई भी कह देगा कि घूस लिया है तो हमको जूता लेकर मारेगा जनता। यानी कि आप अगर चुनेंगे तो घूस उसके नहीं लेंगे? कुछ भी नहीं, एक भी रुपया नहीं लेंगे। वृद्धा पेंशन में ना घुस लेंगे? नहीं, एक भी रुपया नहीं लेंगे। अच्छा, आप नामांकन करा लिए हैं, चुनाव चिन्ह का आपको क्या मिला है? हमारे अथी है, टेम्पल छाप है, चार नंबर में टेम्पल छाप है। कहा जनता के लिए क्या अपील है आपका? हमारे जनता के लिए यही अपील है कि हमारे सहयोग करिए। बस हम आभारी रहेंगे, अगर हम जीत जाएंगे तो सारा काम हम करेंगे, एक भी रुपया नहीं लेंगे, अत्याचार यहाँ से हम मिटाएंगे। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 18 में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंचायत समिति पद के उम्मीदवार, आइए जानते हैं इनका क्या विजन है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम है मोहम्मद सरफराज आलम, मैं पंचायत समिति पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या 18 से। विजन क्या है सर? इलेक्शन लड़ने का रीजन ये है मेरा कि क्षेत्र की जनता को जितना हो सके उतना
जो सुविधा दिला सकूं, और जो लोग जहां परेशान है, जब तक जो भी अब तक उनको लोगों का कुछ काम नहीं हो पाया है, सब काम उन लोगों का मैं बड़ी आसानी के साथ कर सकूं। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि पंचायत समिति का काम क्या होता है? पंचायत समिति का काम होता है प्रखंड में, प्रखंड में जो भी काम होता है वहाँ, जैसे प्रमुख के अंदर में, उप प्रमुख के अंदर में एक मीटिंग होती है, उसमें पंचायत का जो कोटा होता है, क्षेत्र होता है, जो अपने अपने क्षेत्र की बात वहाँ रखते हैं प्रमुख साहब के पास, प्रमुख साहब से जो भी काम होता है वहाँ अपने अपने क्षेत्र के लिए, जैसे ढलैया करना हो, गली का काम हो, या जो भी किसी का आवास का काम हो, या शौचालय का काम हो, सब का काम वो कर सकते हैं। यही काम है उन लोगों का। और बाकी मुद्दा क्या है, आप कौन सा मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दा यह है मेरा कि अब तक जो लोग भी हमारे क्षेत्र की जनता जिस चीज़ के लिए परेशान है, जैसे जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों का भी आवास नहीं मिल पाया है, गली लोग नहीं बन पाया है। एक सवाल है, आवास का नाम लिया आपने, तो उसमें पंचायत समिति क्या कर सकता है या मुखिया क्या कर सकता है? हाँ, चूँकि वो तो प्रधानमंत्री का जो सूची होता है वो तो ऊपर से ही तैयार होता है, और वो जो है वहाँ के प्रतिनिधि आते हैं, जो उनके अधिकारी जो होते हैं, आवास सहायक होते हैं, वो लोग आते हैं, वो लोग करते हैं, इसमें पंचायत प्रतिनिधि का क्या काम रहेगा? जी, इसमें पंचायत प्रतिनिधि का ये काम है कि जिसमें बिचौलियों लोगों को जो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लेकर के जो लोगों को आवास दिलवाते हैं, वो बिचौलियों का काम खत्म करें, डायरेक्ट आवास सहायक पब्लिक से काम करें, और जो भी होता है उनको पूरा का पूरा पैसा उनके खाता में जाना चाहिए, एक भी पैसा किसी को उल्टा पुल्टा या किसी को देने की जरूरत नहीं। ये मेरा काम होगा सबसे पहला प्राथमिकता, कि बिचौलियों से और घुसखोरियों से बचाना, लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त करना मेरा पहला। क्या क्या समस्या है वैसे आपके क्षेत्र में, 18 क्षेत्र संख्या 18 में? हमारे क्षेत्र में बहुत अभी समस्या है कि एक भी गली का काम नहीं हो पाया है, गली सारा बाकी है, जो लोग छोटी सी बारिश हो जाती है तो जल जमाव के कारण लोग पानी हिलना शुरू कर देते हैं, ना नाला है ना गली है, इन ये सब समस्या है। अच्छा, ठीक है, आप भी विपक्ष में थे तो क्या आपने मुखिया जी से बात किया इसको लेकर के, कि गली निर्माण करवाए या कुछ ऐसा? हाँ, बात किए हैं मुखिया जी से, बात किए, मुखिया बोले हैं कि अभी इस चीज़ का फंड नहीं आया, अभी नल जल का ही फंड आया था, जो नल जल में हम लोगों ने जितना पैसा था हमारे फंड में नल जल को ही दे दिए हैं, उसके बाद जो भी आएगा हमारे पास तो अब यहाँ से ये काम करेंगे, पक्की नली जो इस सीजन नहीं हो पाया, अब जीत जाएंगे तो ये काम करेंगे, ये आश्वासन दिए हैं। और क्या समस्या है? और समस्या ये है हमारा कि जो भी लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाया है, जिनको विधवा पेंशन नहीं मिल पाया है, बहुत सारी समस्या है लोगों को, वो समस्या सब लोगों का दूर करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने नामांकन करा लिया है, चुनाव चिन्ह भी आ गया है आपको, क्या है चुनाव चिन्ह आपका? कंघा छाप है मेरा चुनाव चिन्ह, EVM पे 4 नंबर पे है मेरा, और मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार हमें सेवा करने का मौका जरूर दें, और 4 नंबर पर कंघी छाप पर EVM का बटन दबाकर एक एक बहुमूल्य अपना वोट देकर के हमें विजयी बनाएं और प्रखंड भेजें, ताकि आप लोगों का समस्या को दूर कर सकूं। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम मुरैठा पंचायत के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 18 में हैं, और हमारे साथ एक पंचायत समिति पद के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले परिचय। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज अहमद है, घर छोटी मोहली है, छात्र हूं और पंचायत समिति उम्मीदवार के रूप में आज हूं। अच्छा, ये बताइए कि आप स्वयं उम्मीदवार हैं या कोई फीमेल सीट है? नहीं, मेल है। यानी कि आप स्वयं उम्मीदवार हैं जी। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले तालीम, स्वास्थ्य। अगर सबसे पहले तालीम आपके पास होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, स्वस्थ रहिएगा तभी आगे बढ़ सकिएगा आप। स्वस्थ के लिए सबसे पहले सरकारी फैसिलिटी जो है, आज मान लीजिए कि एक गरीब नॉर्मल आदमी आज मान लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या क्लिनिक में जाता है, उनका 2-4 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। आज मेरे बगल में प्राथमिक हॉस्पिटल है, इसकी व्यवस्था अगर सही हो जाती है तो क्या उस गरीब आदमी का 5-10 हज़ार रुपया बच सकता है, उससे उसकी परिवार चलेगा। अगर यह सरकारी स्कूल है, इस ये मिडिल तक हो जाता है, प्राथमिक से मिडिल तक, तो यहाँ बच्चे के लिए पढ़ाई के साधन होगी, टीचर आएगा, फैसिलिटी होगा, वो गरीब आदमी अपने बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारा पद होता है पंचायत में, मुखिया का पद होता है, सरपंच का पद होता है, जिला परिषद का पद होता है, आखिरकार आपने पंचायत समिति का ही पद क्यों चुना? इसलिए कि यहाँ सबसे पहले जो मैं प्राथमिक स्कूल छुट्टी मोहली है, वो स्कूल के लिए मैंने पूर्व जो पंचायत समिति अध्यक्ष थे उनसे मैंने कहा कि सर आप मान लीजिए पंचायत समिति सदस्य आप हैं, इसको मिडिल स्कूल के लिए अनुशंसा कर दीजिए। उन्होंने हमें कहा कि ठीक है हम कर देते हैं। उसके बाद मुझे वो 4 साल तक जो है वो घुमाया, घुमाने के बाद जब पर्ची मुझे अनुशंसा का लिस्ट नहीं दिया वो, तब लास्ट में मैंने RTI लगाया। जब RTI लगाया तो वहाँ से मुझे एक सबूत मिलती है कि आपका स्कूल अनुशंसा नहीं हुआ है।
उसके बाद मुझे इस बात का बहुत तकलीफ और बहुत ही बुरा लगा। आप मुखिया जी के पास गए इस बात को लेकर? मुखिया जी के पास भी बोले तो मुखिया जी ने बोला कि ये मेरा नहीं, अनुशंसा तो पंचायत समिति करेगा। मतलब कि विधायक के पास भी गए, उन्होंने कहा कि अनुशंसा करा के लाइए, पारित मैं करा दूंगा। तो अनुशंसा ही नहीं हुआ तो पारित कहाँ से होगा? तो आप तो विपक्ष में रहे हैं, हाँ। तो आप लोग भी दरखास्त वगैरह डाल करके, या जनता जितना भी है यहाँ पे, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके दरखास्त डाल करके करा सकते हैं, तो पंचायत समिति ही क्यों? पंचायत समिति का पावर होता है, उनके कलम से अनुशंसा होती है। जैसे जिला परिषद के हाथों से कलम से जो है हाई स्कूल बनती है, विधायक के मल्ले के हाथों से मल्ले जो कलम से मल्ले की कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है, उसी तरह से जो है पंचायत समिति के कलमों से मल्ले की जो अनुशंसा होगा, इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं हो सकता। यहाँ यही कारण है कि आप पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं जी। बस अच्छा ये बताइए कि आप नामांकन करा लिए हैं, चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह देखिए, कुदरत का बहुत बड़ा ये फल मिला है, ये मतलब कि तोहफा मिला है कि जिस तरह से 5 साल जनता ने समाज जनता ने मतलब कि जल चुका है एक प्रतिनिधि से, हाँ। धूपों में समझिए एक लेकिन उनको जिस तरह से जलाया गया है, हाँ। उसी तरह से ऊपर वाले भगवान अल्लाह ने मतलब कि जो है मुझे वो दरख्त का साप छाप दिया है जिसके बैठने पर रोग राहत मिलेगी, यानी कि बरगद का पेड़ मिला है जी। हमारे माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है आपका, क्या अपील है? जनता के ये तहे दिल से मैं सलाम करता हूं कि आज ये बहुत बड़ी बात है कि हर आदमी अपने बल पर खड़ा होता है, और मुझे मतलब जनता ने कहा कि आपकी ज़रूरत है आप आइए, मैं आने के लिए तैयार नहीं था। मुझे राजनीति ये चुनाव लड़ने से बहुत हिचकिचाहट थी क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ, एक मतलब RTI एक्टिविस्ट हूँ मैं, इसीलिए मैं नहीं आना चाह रहा था। मगर समाजों ने कहा नहीं आपकी ज़रूरत है, आपको आना होगा। यहाँ तक कि आप बता देंगे आपको खुशी होगी कि नॉमिनेशन का सर भाषण नहीं करें, मैं संदेश देना चाहता हूं। आपका संदेश क्या है पंचायतवासियों के लिए वो बताएं। मेरा संदेश यही है, सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद यहाँ के जो लड़के लोग युवा है पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, मतलब कि कंप्यूटर चलाने आता भी है, उसके बाद मतलब बेरोजगारी से नहीं है, उसको रोजगारी से मैंने जुड़ूंगा। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरपंच पद के उम्मीदवार, आइए जानते हैं इनका विज़न क्या है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद जुबैर हुआ, मेरी पत्नी उम्मीदवार है और मैं कोशिश करूँगा कि आपके पत्नी का नाम क्या है? मेरी पत्नी का नाम साबरा खातिन हुआ। साबरा तो सरपंच पद की उम्मीदवार है? जी जी जी, सरपंच का उम्मीदवार वो है मेरी पत्नी। अच्छा ये बताइए कि सरपंच का काम क्या होता है, पता है आपको? जी जी, क्या जी, काम होता है बताइए। ये समाज का सेवा करना, समाज का देखभाल करना, यही सब होता है। कहीं नाजायज ना हो, हर जगह गरीब हो अमीर हो जायज हो, और सरपंच का कहीं कोई किसी को तंग ना किया जाएगा। सरपंच साहब का अगर हमको कोई चुन के पब्लिक भेजेगा तो हम इतना जरूर कोशिश करेंगे सर कि हम अपने दरवाजे पर कोई को बुलाएंगे नहीं, हम सबके दरवाजे पे जाके हम फतला करके सुना दिया करेंगे सर। वो समाज के साथी ले जाएंगे और उसी जगह हम स्पोर्ट फतला करके देखेंगे सर। अभी क्या मतलब के दिक्कत है आपके पंचायत में जो सरपंच के जो है वर्तमान में कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? जी दिक्कत यही है सर कि कोई कहते कि 1000 ले लिए, कोई कहते 500 रुपया ले लिए। अब गरीबी आदमी है, छोटा मोटा गांव होता है, छोटा मोटा पंचायत होता है, उसमें 200 हमको चुनता है जनता की, इनको एक वोट दे रहे हैं हम कि अच्छा काम करेंगे, अच्छा निर्णय करेंगे, लेकिन बाद में उनसे हम क्या भरोसा कि आप भी सरपंच बन जाइएगा तो आप भी सबसे पैसा लीजिएगा? सर एक तो भरोसा आपको देना पड़ेगा, एक समाज के आदमी हैं हम, बच्चे से बूढ़े हो गए हम, एक तो भरोसा, एक चांद सर देख के तो देखिए आप, हम अगर खड़े उतरते तो ठीक रहेगा, दूसरा मौका दीजिएगा, खड़ा नहीं उतरेंगे तो मार के भगा दीजिएगा सर, और क्या कर लीजिएगा हम किसी से 100-200। अक्सर होता है कि जब वोट मांगने का समय रहता है तो लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो टिढ़ियाते हैं। सर वो उनका खानदानी नेता जो होता है ना, हाँ। जो खानदानी नेता होता है वो वोट के टाइम में कुछ बात करेगा, आज जब वोट ले लेगा तो कुछ बात करेगा, लेकिन हम खानदानी नेता नहीं है सर, हम छोटा मोटा समाज का सेवादार आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, सेवा करने वाले आदमी हूँ, कोई अमीर आदमी नहीं कि हम आज झूठ बोल दें। कल हमको यही समाज में रहना है, यही पंचायत में रहना है सर, हम झूठ बोल के जाएंगे? अच्छा ठीक है, नॉमिनेशन करा लिए हैं आप, चुनाव चिन्ह क्या मिला है? जी सर बगला छाप मिला है, 8 नंबर पे हमारा है, नीचे से एक छोड़ के बगला छाप है। और जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील है कि एक दफा हमको मौका दीजिए, एक दफा चुन के भेजिए, हम आपको निर्णय अच्छा देंगे, बढ़िया देंगे, कुछ सब घुसखोरी
ख़त्म कर देंगे। वैसे भी बगला तेज होता है कि चलवा फोटिया को खाने का हक रखता है, तो दर दलाल को हटा देंगे सर, एकदम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, हम जहाँ झगड़ा होगा सर, कहीं लफड़ा होगा, जमीन का विवाद होगा, हमारे दरवाजे पे कोई को नहीं आना पड़ेगा, मैं उनके दरवाजे पे जाऊंगा, उसी के जमीन पे जाऊंगा, उसी जगह हमारे जो होगा, जो अच्छा समझेगा, उसी के समाज से, उसी के पड़ोसी के समाज से, गली के समाज से, हम पूछ के समझ के बूझ के हम उसी जगह निर्णय कर लूंगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद।